जिले के तहसील मेहीपुरवा अंतर्गत नैनिहा गुरुद्वारा मंडी से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर तहसील मुख्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन व 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी मेहीपुरवा को सौंपा ज्ञापन। आज सोमवार को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा हाईवे पर अवरोध उत्पन्न करने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में दर्जनों ट्रैक्टर के साथ किसानों ने नैनिहा गुरुद्वारा मंडी से तहसील मुख्यालय मेहीपुरवा तक ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विश्व व्यवसाय संगठन से कृषि उत्पादों को बाहर करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिलाना, किसानों पर हो रहे अत्याचार दमन को रोकना, विद्युत निगम 2020 को तत्काल रोकना, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करना, किसानों का गन्ना भुगतान खासकर बजाज चीन मिल से भुगतान करना शामिल है। आज आप लोगों ने आंदोलन किया है, क्या प्रोग्राम है, क्या जी? संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ पे WTO का विरोध किया गया और इसके यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला लगभग 20 किलोमीटर नैनिया गुरुद्वारा से लेकर तहसील मोतीपुर, और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखा गया, SDM साहब को ज्ञापन सौंपा गया। किन मांगों को लेकर के आज SDM साहब को ज्ञापन सौंपा गया? ये WTO का विरोध करना है, उसकी मांग, और MSP गारंटी और कर्जा मुक्त और आवारा पशु, ये काफ़ी मांगे हैं जो भी बजाज गन्ना भुगतान और मील आवारा पशु इसी विभाग के संबंध में बताई हैं, SDM साहब के बताई हैं और आवारा पशुओं के बारे में भी इन्होंने बताई हैं। तो मैंने इन लोगों को बताया है कि इसमें हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं और जिस गांव में भी आवारा पशुओं की समस्या है और विद्युत वाली समस्या है तो उसमें मैं क्षेत्रीय BDO को बुला लूँगा और SDO को बुला लूँगा और इनके साथ वार्ता करा दूँगा, मैं भी उस वार्ता में शामिल रहूँगा, जो भी इनकी समस्या होंगी इसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।